हाँ तो भाई राम राम जी सारे ना। आज वीडियो बनाने में थोड़े से लेट हो गए भाई। तो भाई पूछे जाए नहीं वो वीजे बाजे आने लगे ना लगे भाई। वीजे आने लग रहे भाई डे बाय डे आने लग रहे बंदे पूरा उतरने लग रहे भाई। मतलब वो दोबारा हौली हौली वो पहले वाला प्रोसेस आने लग गया जिस तरह पिछले साल उतरे थे ना भाई बंदे आने उने शुरू हो जाए या मतलब वीजे आने के बाद जो बंदे आया करें ना बंदे वही सिस्टम हो गया अब के वीजे आंदी सार अपना टिकट टाकट करा और उरा मैं ठीक है। क्योंकि पहले ही डाल नए नए बंदे मिले हैं थोड़े बहुत इक्का दुक्का मतलब पहले जम इक्का दुक्का था लेकिन ठीक ठाक सा होने लग गया सिस्टम। वीजे आने मतलब शुरू हो गए भड़का गए और जिनके पिछले वीजे रुके हुए थे ना वे धीरे धीरे करके निकलने लग रहे सारा ही। कई बंदे ऐसे भी हैं जिनके तीन तीन महीने तक पेंडिंग पड़े थे वीजे मतलब उनके जिन्होंने आइल्स वगैरह कर रखी थी और टोफल वाला के भी वीजे आ रहे हैं भाई तो बढ़िया जिनसे की फाइल लग रही थी ना टोफल पर भी आ रही है वीजे और अपना फेस पास पे करी है जिन्हें भाई 5-6 महीने हो गए ठीक है। टोफल टाफल के पासवर्ड स्किल वाले तो चला वो लिए उसके बाद के जो मैंने पीटी पे थोड़े दिन पहले एक्सेप्ट हुई है उसके बाद आइल्स वुल्स वगैरह दे रखी थी या टोफल दे रखा है जिन्होंने जिनका शुरू से ही टोफल क्लियर हो रहा है। तो भाई वीज़ा आने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं है वीजे सब के आएंगे थोड़ा टाइम तो लगन लग रहा है भाई सब का और रुकता कोई नहीं है किसी का वीज़ा भाई ठीक है। क्योंकि भाई पता ऐसा हो रहा है कई बार जिनकी फाइल बाद में लगी थी नहीं उनका पहला वीज़ा लिया और जिनकी पहला फाइल लगी हुई थी उनका थोड़ा सा लेट भी हो गया ऐसा सिस्टम हो रहा है इधर। तो अपना ऐसी कोई दिक्कत नहीं है भाई जिनकी फाइल सबमिट हो रही है डॉक्यूमेंटेशन पूरी है उनका वीज़ा 100% आना भाई 100% में था 101% ठीक है। तो उस प्रकार की कोई चिंता ना करियो या नई अपडेट यह है कि भाई यहाँ का एक्सपीरियंस देख लिया मैंने बालक आने लग गए तो बालक आने की वजह था तो उसकी उस टाइम मतलब पता चल जाए भाई बंदे का भाई वीजे आने शुरू हो गए ना। क्योंकि यार अपडेट का क्या अपडेट तो जी बेरा चलेगा सही तो जब बंदे आवे बंदे का मिला जुला भाई कद आया कद नहीं तो फिर पता चला भाई यहाँ भी आया इस इनटेक का मतलब ये भी कोई हफ्ता आ रहा कोई 5 दिन हो गया ना किसी ना 10 दिन हो गए मतलब इस तरह आने लग गए तो कहीं तो मिले हैं मैंने कई बंदे तो इस मैंने पूछा भी होता है भाई किस के कर रखा इतना किस तरह आया के चक्कर है तो वह नॉलेज इकट्ठी करके बताते बता दी भाई वीजे आने लग गए हैं आइल्स वाला के भी या टोफल टेस्ट वाला के भी तो अपना ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई जिन्होंने पीटी का दे रखा है भाई वीज़ा उनका भी आएगा इव जिन्होंने इव करंटली में दिया है थोड़े दिन पहले दिया है पीटी एक्सेप्ट हो रही है तो हमने पता ही है इस चीज़ का ठीक है। वीज़ा उनका भी नहीं रुकता ठीक है। उन स्टार्टिंग में भाई जिनकी पीटी हो रही थी उन्हें दिक्कत थी क्योंकि उनकी पीटी उस टाइम एक्सेप्ट नहीं कर रखी थी इस वजह से दिक्कत हो रही थी ठीक है। लेकिन भाई अपना सारे सब्र करो भाई बार बार पूछे जाऊँ भाई मैंने क्योंकि घने मैसेज देखने मिला कि भाई मैंने इस तारीख में अरे इस महीने में फीस पे करी थी भाई मेरा वीज़ा कद तक आ जाएगा भाई उसके बारे में मैं थोड़ी कमेंटमेंट कर सकूं मैं नहीं कुछ कर सकता भाई क्योंकि वो थारा एम्बेसी के ऊपर है भाई ठीक है। वो तो कई बार मैंने तेरे तब हारते पहले ही बताया भाई कहीं की पहला फाइल लगी हुई है उनके लेट हो रहे वीजे और कहीं की बाद में लगी है उनके पहला वीजे अरे मतलब यू सिर्फ एम्बेसी की तरफ ही है सिस्टम यू कोई अपने हाथ में बात नहीं आया कुछ भी ठीक है। तो मैं थर तक कह दूँ भाई थारा वीज़ा बस नहीं हुआ भाई हाँ वेट कर सको तो हम इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते वेट करो वेट करोगे तो भाई वीज़ा ज़रूर मिलेगा जल्दी से जल्दी मिलेगा ठीक है। तात्ता तोड़ी ना करो और आएगा कड़ी नहीं आए एकदम तो पहाड़ फूट दे अपना जहाँ इतना टाइम कट लिया इतना और सही भाई सारे भाई जितने भी हैं बाकी अपने अपने एजेंट तो अपना कॉन्टैक्ट मरो भाई थोड़ी थोड़ी उस अपना ले जाओ नॉलेज अपना पता करे जाओ अपना स्टेटस देखे जाओ पता करते रहो भाई किस टाइम का क्या कुछ है कितने वीज़ा रहे क्या कुछ हो रहा है ठीक है। तो आज की वीडियो में यह इन्फॉर्मेशन है भाई मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए सारे भाई राम राम कीप सपोर्टिंग जय माता दी भाई गुड नाइट भाई आज तो लेट रात ना वीडियो बनाई है ठीक है। तो गुड नाइट भाई सारे भाई ना।